गाए ए छतरी ताणी ले रे भीरूड़ा ए चातो ताणी ले रे भीरूड़ा बाबीड़ो पड़े लाखो चको भेड़ो ओ तो जोर को भरे चारी चारी महीना डाको रे उनाड़ो अरे चारी चारी महीना डाको रे उनाड़ो अरे उनाड़ा में गरीमी उनाड़ा में गरीमी जोर नहीं पड़े लाखो चलो बेड़ो ओ तो जोर दो घर आजी ले रे भीरूड़ा छतो ताणी ले रे भाईरा बाबी दो पड़े लाखो तरो मेड़ो ओ तो जोर को भरे अरे चारी चारी महीना लागो रे सियाड़ो अरे सियाड़ा में सरदी सियाड़ा में सरदी जोरी पड़े लाखो तरो मेड़ो ओ तो जोर को भरे छतो ताणी ले रे भाईरा ताबी दो पड़े लाखो तरो मेड़ो ओ तो जोर को भरे धूपं तथा दीपां देवदया देवचपतेर कल्पितां भेजतां
महादेव की जय हो। लाखोटिया महादेव के इस पावन पुनीत प्रांगण में श्री लाखोटिया महादेव मेला मंडल समिति जो लगभग 32 वर्षों से अनवरत रूप से इस मेले का बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक आयोजन कर रहे हैं और उसी कड़ी में कोरोना के इस विकट खंड में भी अखंड रूप से इस मेले को जिन्होंने अनवरत रूप से जारी रखा है श्री लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान नंदी देवड़ा और उनकी पूरी टीम सब भक्तों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत गुरुदेव। आज 32 साल के बाद ऐसा सौभाग्य ऐसा दिन आया है कि उज्जैन महाकाल से महादेव स्वयं गुरुदेव आनंदेश्वर महाकाल गुरुदेव आनंद पुरी जी महाराज के दर्शन करूं या महाकाल के दर्शन करूं जहां उज्जैन महाकाल का नाम आता है उस धन्य धरा से पावन धरा से आज लाखोटिया महादेव के इस विराट अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भक्ति समारोह में गुरुदेव पधारे। सामान्य बाबा श्री महेंद्र सिंह जी राठौर मंडली वरिष्ठ समाजसेवी एवं उद्योगपति जिनका भी मन का आने का यहाँ भाव था लेकिन सावन महीने की अखंड पूजा व तपस्या के बाद कारण वो यहाँ नहीं आ सके लेकिन उसके बाद वो दर्शन के लिए लाखोटिया महादेव जरूर आएंगे और उन्होंने गुरुदेव को भी विनती की कि पाली धरा के अंदर पूरे पश्चिमी राजस्थान का 1,08,000 दीपों से यह लाखोटिया महादेव की आरती हुई थी और 1,00,000 जनता लाखोटिया महादेव के दरबार में सावन महीने में महादेव जी को नमन करने के लिए आते हैं। पूरे भजन गायक पूरे भारतवर्ष से यहाँ लाखोटिया महादेव के दरबार में आते हैं। कई राजनेता कई सिने स्टार कई राजा महाराजा भी इस महादेव के दरबार में आकर उन्होंने हाजिरी दी है। आज सौभाग्य है कि गुरुदेव ने आकर अपने पूरी मेला मंडल की टीम को एक महादेव का आशीर्वाद स्वरूप आपने गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद दिया पधार कर पूरे मेला मंडल की ऊपर आपने असीम कृपा की है। हम सभी मेला मंडल की ओर से विनती है कि जब भी आप पूनागर माता जी मठ से पाली शहर की तरफ आना हो तो एक बार लाखोटिया महादेव के इस दरबार में आप जरूर पधारें तो महादेव के दर्शन भी और पूरे मेला मंडल सेवा समिति को भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा ऐसा हम सभी का आपसे निवेदन है। आप पधारे पूरा मेला मंडल सेवा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत जय लाखोटिया महादेव। अरे गज तुरंग वाहन पानी भी पहाड़ों में बह जाते हैं अरे अंत चिता पर बड़े बड़े बलवंत देह बह जाते हैं अंत चिता पर बड़े बड़े बलवंत देह बह जाते हैं। दो मिनट आ रहे हैं मैं करूंगा।
लाखोटिया महादेव कोरोना काल की वजह से सरकार के सख्त नियमों की पालना करते हुए लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति ने किसी भी प्रकार का भीड़ का आयोजन करने का फैसला जो है हर वर्ष होता है, इस बार सब रद्द किया गया। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आयोजन के तहत 2 महीना पहले की जो तैयारियां होती थी वो सब तैयारियां धरी रह गई। सूक्ष्म रूप से कोरोना संक्रमक COVID-19 को ध्यान में रखते हुए आज 16 अगस्त 32वें वर्ष का आयोजन लाखोटिया महादेव के श्री चरणों में महंत श्री श्री महंत आनंदपुरी जी पूनागर माताजी मठ महंत अभी पधारे और लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति श्री माणकचंद जी पवार लक्ष्मण जी पवार नेमीचंद देवड़ा रमेश सिंह कर्णावट सभी ने मिलकर उनका शॉल पहनाकर माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर लाइव आयोजन को लेकर जो स्थितियां बनी लेकिन किसी भी प्रकार का भीड़ का जो एक तो यहां नहीं कर सकते और कोरोना को लाइव को लेकर आयोजन को लेकर जो रूपरेखा बनी थी वो सारी उसको भी रद्द की गई और लाखोटिया महादेव के श्रीमुख 4 भजन गाकर परंपरा 1 महीने का नियमित रूप से लाखोटिया महादेव की जो 4 भजन गाकर लाखोटिया महादेव की जो हाजिरी है सूक्ष्म 25-50 लोगों के बीच ही पूरा संपूर्ण मेला आयोजन इस बार किया और कोई प्रकार का लाइव नहीं करके महादेव के सम्मुख ही सबने स्वेच्छा से अपनी हाजिरी दी और लाखोटिया महादेव के इस कोरोना संक्रमक बीमारी को महादेव दूर करेंगे। महादेव का जैसा आदेश होगा वैसे आगे हम कदम रखेंगे।